अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज हमने एक मेहंदी पे जाना है। तो हम तो खाना वहाँ खा लेंगे, लेकिन बॉयज़ जो हैं वो घर में होंगे, तो जल्दी से हमने बटर चिकन पका के जानी है उनके लिए। और जो इंडिया का गरम मसाला है उसके बीच में सौंफ भी शामिल होती है। हमारा जो पाकिस्तानी गरम मसाला है उसमें सौंफ नहीं होती, इस वजह से हमने ज़रा से फेनल सीड्स जो हैं वो पीस लेने हैं, हाफ टी स्पून क्यूमिन सीड्स के साथ, ताकि हम इसको मिला लें। इसमें ये डालना, ये हाफ टी स्पून सॉल्ट, धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, टर्मरिक पाउडर 1/3 टी स्पून, और पेपरिका, कायन पेपर वैसे डाली जाती है। और ये रही हमारी गरम मसाले की बॉटल, इसको तो साथी बहुत अच्छी तरह से पहचानते होंगे, 1/3 टी स्पून, आधा किलो तो मुश्किल से चिकन होगी। और इसमें अब डालना है दही, थोड़ी सी जो तुरशी है दही से आ जाएगी इसमें खटास, तो इसको जरा सा हिला के इसको रख दिया, जब तक हम अपने अनियंस जो हैं वो गुलाबी करते हैं। तो ये इसको स्लाइस कर लेते हैं, अनियन को दो छोटे छोटे लिए हैं, 1 मीडियम साइज का अनियन जो है वो काफी होगा, ये सारा डब्बा ही यूज हो जाना है, तो इसी को ही डाल लेते हैं। जरा सा बटर आंच ऑन करते हैं, और ये 4 क्लोव्स जो हैं लहसुन के काफ़ी होंगे, और ज़रा सी हमें जिंजर चाहिए होगी, ये देखें इतना इतना, और ये 4-5 हमने ग्रीन कार्डमम डाली है, 5, और इसमें डाली ये हरी मिर्च, अल्लाह ना करे कि ये बहुत तेज़ हो बहरहाल, और ये डाला अदरक और लहसुन, 1 क्रश टोमेटोज का कैन हमने इसमें डाला है। पकने दें, थोड़ी इसमें अजीब सी हमक होती है, वो ज़रा चली जाए। इसको ज़रा सा हम आंच बंद करते हैं, ठंडा होने देते हैं, पीसते हैं, छानते हैं, और फिर पकाते हैं। तो ये हमने इसमें ज़रा सा डाल दिया ठंडा पानी, तो मैजिक बुलेट जो है वो इलायची भी पीस देगा, जो बाकी के ब्लेंडर चॉपर्स हैं वो नहीं पीसेंगे। छान लेना, देखा बिल्कुल वही, इसको पीस लेते हैं। सॉसेस लाया हुआ है दिखाने के लिए, इसको रिंस किया क्योंकि अभी हमने इसको पकाना है। आंच ऑन कर देते हैं, धीमी आंच पे इसको रखते हैं, जरा से डालते हैं कुकिंग ऑयल इधर, उसमें डाली चिकन, इसको जो है कवर कर देंगे जरा देर, क्योंकि फ्रोजन थी तो बेहतर है ढक दें, और इसको भी हिलाते हैं। इसमें आधा कप हमने और पानी ऐड किया था, बगैर पकाए जाए वो आप नहीं बना सकते, तो बाद दफा इंस्टेंट रेसिपीज आपको दिखती हैं जल्दी जल्दी बस डाल आती, 5 मिनट में पक गया, ये नहीं होता, वो कच्चा रह जाता है प्याज, उसका तो दाना दाना मुंह में ऐसे किरकिर करता है। फिर तो थोड़ा आपको लगेगा कि इसका बटर जो है ऊपर आने लगा है, उस वक्त आपको पता लग जाएगा कि ये हो चला है। तो इस तरह से हमने चिकन जो है वो आग पे करके 2-4 को जरा सा धुआं लगवा लिया, और फिर हमने This is not enough for the whole family, Mama. नहीं, whole family नहीं खा रही, बस boys. नहीं, it's not for the boys. Oh, no, boys don't even like butter chicken. चलो हटा लो इसको, ये देख लें आप, ये धांधली हो रही है। Mama, that's so unfair. देखा ये देखें नाजरीन, जैसे ये प्री हिस्टोरिक एरा में हम चले गए हैं, भजिया सिर्फ बॉयज के लिए बना रही है। ये डाली क्रीम, फ्रेश क्रीम, and this is the thanks that I get. ना करें आप, you ना करें, know, मैं पका रही हूँ। Well, you're not gonna let me eat it later. कैसा बना है? ठीक है, nothing great. ओह, तो भी पीछे हो जाओ। आप रोस्टेड बोटी निकाल के ले गई हैं आग पे?
डाल दिया थोड़ा, ये देखिए इसको थोड़ा सा हम हिला लेते हैं और फिर इसको चखते हैं, जो थोड़ी बहुत ऊंच नीच हुई उसको हम यहाँ फिर बैलेंस कर लेंगे। अच्छा ना, और ये डाला बटर। चलें जी, तो बटर चिकन का मतलब ये नहीं है कि बटर शटर डाल डाल के बनाई हुई है। बटर चिकन, बटर का मतलब मुलायम सी करी। तो अच्छी रेसिपी है, मज़ेदार बनी है, तो ट्राई कीजिए, खुदा करेगा ये रेसिपी जो आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। आप ना चली जाए यहाँ से, क्योंकि फिर आप रिस्ट्रिक्ट करेंगी कि मैं कितना डाल सकती हूँ, और मैं ऐसी रिस्ट्रिक्शंस के लिए रेडी नहीं हूँ।